हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3:10 और मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तो अभी फटाफट से नीचे गाड़ी में चलते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आज कहाँ कहाँ जाना है और क्या क्या होने वाला है। तो चलें, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं हूँ लक्ष्मी नगर में, और लक्ष्मी नगर क्यों आया हूँ क्योंकि शिल्पी को अपनी मम्मी के घर आना था, और अभी मैं शिल्पी को ड्रॉप कर चुका हूँ। आते वक्त वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि शी डिडंट वांट टू कम इन द वीडियो। इट्स ओके यार, आई हैव नो इश्यूज, आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट हर डिसीजन। तो ठीक है, तो अभी फटाफट चलते हैं रोहिणी। एक्चुअली रोहिणी में मुझे 2-3 काम और, बाद मुझे उठानी अपनी बाइक, उसे वॉश कराना है, और उसके बाद आज हम कराने वाले हैं अपनी डोमिनार में कुछ ग्राफिक्स। तो क्या ग्राफिक्स कराने वाला हूँ और कैसे लगेंगे, उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो आप वीडियो को कंटिन्यू करो और मैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता हूँ। और एक चीज और, आज बहुत गर्मी है यार, एसी भी काम नहीं कर रहा है। राइट नाउ टेम्परेचर इज अराउंड 38, बट इट फील्स लाइक 39 और 40। गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है, मतलब भयंकर वाली गर्मी है, और सूरज पैसा भी बिल्कुल मेरे मुंह के ऊपर है यार, दिमाग खराब हो गया। शेड लगा रहा हूँ, उसका भी कोई फायदा इतना हो नहीं रहा है। जब बाइक वॉश करा ही रहे थे, फिर चेन ल्यूब भी ले ही लेते हैं, क्योंकि बाइक वॉश होने के बाद उसकी चेन मांगती है थोड़ा लुब्रिकेशन। तो चेन ल्यूब ले लेते हैं, देखते क्या मिलता है, कैस्ट्रोल या फिर मोटूल या फिर लिक्विड मोली, जो भी मिलता है देखते हैं फटाफट। और दूसरा, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं रोहिणी, फटाफट से ढूंढते हैं कोई बढ़िया सी शॉप जहाँ पे चेन ल्यूब मिल जाए, परचेज करते हैं और फिर चलते हैं वॉशिंग कराने। अभी जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा चेन ल्यूब मुझे मिल जाएगा, मोटूल, कैस्ट्रोल या फिर लिक्विड मोली, जो भी मिलेगा मुझे लेना होगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप कौन सा यूज़ करते हो, क्यों यूज़ करते हो, और बेस्ट कौन सा है डोमिनार के लिए। तो चलते हैं और फटाफट से लेते हैं चेन ल्यूब। फाइनली आई गॉट इट। अब घर जाके बाइक को निकालते हैं, वॉश कराते हैं, और उसके बाद उसमें कराएंगे ग्राफिक्स, टाइम मिला तो, क्योंकि अभी टाइम ऑलरेडी 5 बज चुके हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। वैसे हो जाना चाहिए क्योंकि आजकल थोड़ा सा अंधेरा लेट होता है, बट आई एम ग्लैड कि मुझे मॉड्यूल मिल गया। तो हाँ जी, फाइनली मैं स्विच कर चुका हूँ अपनी कार से बाइक पे, और आपको तो पता है कि बाइक चलाने में मुझे कितना मज़ा आता है, और ऐसा हो सकता है कि मैं एंजॉय करूँ और आपको ना कराऊँ। तो फटाफट चलते हैं, एक दो काम है उन्हें कराते हैं, और एक दो काम के साथ साथ मुझे ये भी याद आया है कि मेरा लेफ्ट वाला जो मिरर है ये काफ़ी लूज़ हो चुका है, मुझे इसे भी फिक्स कराना है। बाइक को वॉश इसलिए कराना है क्योंकि आपको पता है कि मैं लास्ट जब संडे राइड पर गया था वहाँ बारिश हो गई थी, बाइक काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी है, तो बाइक भी वॉश कराएंगे और उसके बाद करेंगे थोड़े बहुत ग्राफिक्स। तो चलते हैं। अरे अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, जिस तरीके से रिफ्यूल वार्निंग आ रही है भाई, फ्यूलिंग भी करानी पड़ेगी पहले, ऐसा नहीं चलेगा। व
वैसे जनरली ना ये ग्राफिक वगैरह का काम कराना हो तो करोल बाग जाने का ही फायदा है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं और काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। लेकिन जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ इतने ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं मिलेंगे, बट फिर भी आई एम थैंकफुल कि यहाँ पर मतलब मेरे घर के 2-3 किलोमीटर के रेंज के अंदर ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत अगर छोटा मोटा बेसिक ग्राफिक कराना है तो वो हो सकता है। तो अभी देखते हैं क्या ऑप्शन मिलता है, क्या क्या करा सकते हैं, अगर कुछ बेटर मिला तो कराएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ मंगोलपुरी जहाँ पर ग्राफिक्स होते हैं बेसिकली, अब देखते हैं क्या ऑप्शन मिलता है यहाँ। ओके गाइस, सो वॉशिंग हो गई है और स्पीकर मैंने यूट्यूब का जो लगवाना था वो लगवा लिया है। ज़्यादा ग्राफिक्स मैं यहाँ तक नहीं करवा पाया क्योंकि ऑप्शंस मैंने पहले ही बताया था कि नहीं होंगे यहाँ, मुझे मालूम था। और थोड़ी सी गड़बड़ ये हुई कि मैंने यूट्यूब का जो लोगो लगवाना था, स्पीकरिंग जो करानी थी वो पहले करवा ली, वॉशिंग बाद में कराई, लेकिन खैर उतना ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ता नहीं है। प्लस चेन ल्यूब मैंने नहीं कराया वॉश कराने के बाद, क्योंकि चेन जो थी मेरी थोड़ी सी गीली थी, डीजल वॉश करा लिया है, लेकिन चेन गीली थी तो मुझे लगा कि थोड़ा सा चला लूँगा बाइक तो सूख जाएगी, उसके बाद कराऊँगा। और वैसे भी चेन ल्यूबिंग करने के बाद इमिडिएटली बाइक नहीं चलानी चाहिए जहाँ तक मुझे पता है। तो अभी मैं घर जाके ल्यूब कर दूँगा इसको और उसके बाद ओवरनाइट छोड़ दूँगा, तो सुबह तक आई थिंक सेट हो जाएगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे। दिस वाज टुडे स्टोरी। आई विल सी यू अगेन। बाय।